अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम वर्डप्रेस के लेक्चर नंबर 2 में वर्डप्रेस पेज की कॉन्फ़िगरेशन, सेटिंग और थीम्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 में हम वर्डप्रेस के इंट्रोडक्शन, इंस्टॉलेशन और उसकी टेस्ट होस्टिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर पेज के कॉन्फ़िगरेशन का लेआउट जो है, कॉन्फ़िगरेशन पेज का लेआउट, थीम्स को कैसे डाउनलोड किया जाता है, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं और कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। लेक्चर शुरू होने से पहले आप इस चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें। सबसे पहले हम यहाँ पे अब गूगल क्रोम को ओपन करते हैं। ये वो एरिया है जो पूरे वेब पेज को या वेबसाइट को मैनेज करता है, जो वर्डप्रेस में हमने बनाई हुई होती है। इस सीएमएस को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को, जो उसका सी पैनल भी कहलाता है, कंट्रोल पैनल भी इसे कहा जाता है। पहला हिस्सा ये ब्लैक कलर का है, दूसरा ये वाइट कलर का है। वाइट एरिया बेसिकली वो कहलाता है कि जिसमें तमाम ऑप्शंस जो लेफ्ट साइड पे दिए हुए हैं उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो होती हैं। जो ब्लैक एरिया आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, इसको तीन हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहला हिस्सा डैशबोर्ड कहलाता है, दूसरा हिस्सा आपका कंटेंट के रेलिवेंट कहलाता है, जिसके अंदर जो कंटेंट दिए हुए हैं, मीडिया, कोई पिक्चर्स, जो आपकी वीडियोस हैं, वो सारे का सारा मीडिया यहाँ से मैनेज होता है। फिर उसके बाद अपेयरेंस इसकी दी हुई है, थीम्स हैं, प्लगइन्स हैं जो आप यहाँ पे इस्तेमाल करोगे। सबसे पहले हम होम पे जाते हैं। होम का मेन्यू हमारे पास क्या कहलाता है, ये वो एरिया है कि जो डैशबोर्ड की मेन पैनल है, मेन स्क्रीन है। यहाँ पे आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे क्विक क्विक ड्राफ्ट लिखा हुआ है, ये ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शंस है, आप इनको लेफ्ट राइट मूव कर सकते हो। और जो चीज़ें आपको इसमें रिक्वायर हैं, आप उनको जो ज़्यादा ज़रूरी हैं उनको आप अपसाइड पर रख सकते हो। ये ड्रॉप मेन्यूज बने हुए हैं, क्लिक करने के बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो ये एक्टिविटीज के बारे में जानने के लिए। सेम इसी तरह अपडेट क्या है, कोई अगर अपडेट्स आई भी होती है तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा हिस्सा कंटेंट के रेलेवेंट है, ये भी इंशाल्लाह हम डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक जो हमारे पास थीम्स का था। अपेयरेंस के यहाँ पे मेन्यू में जाके अगर आप थीम्स पे क्लिक करते हो तो आपके पास थीम अपेयर हो जाते हैं। यहाँ पे वो थीम्स हैं जो आपको ये नजर आ रहे हैं। बहुत सारे थीम ऐसे हैं जो पहले से डाउनलोडेड है, आप उनको जस्ट क्लिक करते हो और उस थीम को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हो। जैसा ये 2019 है, यहाँ पे दो बटन आपको नजर आ रहे हैं, एक एक्टिवेट का और दूसरा लाइव प्रीव्यू का। एक्टिवेट के बटन को जैसे आप क्लिक करोगे तो ये 2019 थीम एक्टिव हो चुका होगा। जो थीम हमने अप्लाई की है, अब उसको टेस्ट करने के लिए हम यहाँ पे टेक्नोलॉजी हब, ये जो नेम है, विजिट साइट का एक बटन है, लिंक है, इस पर हम क्लिक करते हैं। नए टैब के अंदर इसको ओपन कर रहे हैं तो ये नया थीम इस पर इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब हमने इस थीम के अंदर अगर किसी किस्म की तब्दीली करनी है, चेंज करना है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो हम इसमें कस्टमाइज पे क्लिक कर देते हैं, जिस पीसी पे आप वेबसाइट को डिजाइन कर रहे हो, बना रहे हो, या इसके सीएमएस में ये थीम के बाद कस्टमाइज का एक बटन है, क्लिक करोगे तो इस थीम को आप कस्टमाइज कर सकते हो। इसकी कस्टमाइजेशन के अंदर ये तमाम वो चीज़ें हैं जो आपको नजर आएंगी लेफ्ट साइड पे। सबसे पहले जी एक्टिव थीम इस वक्त कौन सा है, चेंज अगर करना चाहो तो यहाँ पे चेंज कर सकते हो। साइट की आइडेंटिटी क्या है, आप यहाँ पे क्लिक करो। यहाँ पे अगर आप कोई लोगो शो करवाना चाहते हो, सेलेक्ट पे जाओ, लोगो पे जैसे आप क्लिक करोगे और उसके बाद आप क्रॉप का बटन, सेलेक्ट का बटन अगर आप प्रेस कर देते हो तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, इसके साइज को। जैसे साइज को एडजस्ट करोगे वो वीडियो आपके पास, वो इमेज आपकी वेबसाइट पे इंप्लीमेंट हो जाएगा। जैसे क्रॉप का इमेज आपने बटन प्रेस किया तो आप देखते हो कि वेबसाइट के अंदर यहाँ पे ये लोगो आपको नजर आ रहा है। अगर आप इसी एलिमेंट को सिर्फ चेंज करना चाहते हो फिर
इसके बाद टैगलाइन, अगर रिमूव करना चाहते हो आप इसको रिमूव कर सकते हो, वो इमेज यहाँ से रिमूव हो जाएगा। फिर उसके बाद आ गया टैगलाइन, ये पहली वो लाइन है जो आपको यहाँ पर ये लिखी हुई नज़र आ रही है। फिर उसके बाद एक इमेज दिया गया जिसे हम साइट आइकन कहते हैं। एग्जाम्पल बिल्कुल इसकी इसी तरह है, जैसे आप लिखते हो youtube.com, यूट्यूब पे गए, जैसे आप YouTube को ओपन करोगे आपको यहाँ पे एक छोटा सा YouTube का आइकन इसके साथ नजर आता है, ये बना हुआ। अगर आप चाहते हो जी टेक्नोलॉजी हब जो आप बना रहे हो उस पर भी आपका लोगो आए तो आप इस तरह से उसे चेंज कर सकते हो। यहाँ से चेंज इमेज पे, अगर कोई कंप्यूटर में आपकी पिक्चर पड़ी हुई है तो यहाँ से अपलोड कर सकते हो, सिलेक्ट करो फाइल को और उसको आप यूज कर सकते हो। ये मेरे पास लोगोज बने हुए थे, मैंने यहाँ से इसे इस्तेमाल किया, ये हमारे पास पहला पेज आ गया। साइट आइडेंटिटी के बाद हमारे पास है कलर्स, कि अगर हम यहाँ पे कोई कलर अप्लाई करना चाहें, एक तो डिफॉल्ट कलर्स जो दिए हुए हैं हम उसी के साथ इसको चल रहे हैं, अगर कोई कस्टम कलर है तो आप उसमें चेंज कर सकते हो अपनी मर्जी से, अगर आप कलर चेंज करना चाहते हो। बैक पे के मुख्तलिफ मेन्यूज हैं, कोई नया मेन्यू क्रिएट करना चाहते हो कि जो यहाँ पे आए, आप यहाँ पे कह देते हो ये प्राइमरी पेज पे आना चाहिए जो उसमें पेजेस है। सोशल लिंक्स आप यहाँ पे शो करवाना चाहते हो, नेक्स्ट का बटन आप प्रेस करो। मेन्यू का नेम मैं कह देता हूँ यहाँ पे काशिफ, या टाइटल बार के तौर पे भी आप इसको यूज कर सकते हो, जो मेन्यूज कहलाएंगे। यहाँ पे जी ऑटोमेटिकली ऐड न्यू टॉप लेवल पेजेस, उससे नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास मौजूद है जो मेन्यू की लोकेशन के हवाले से है। ये हमने जो मेन्यू क्रिएट किया हुआ कि उसको हमने किस लोकेशन पे प्लेस करवाना है, प्राइमरी पेज कौन सा है, यहाँ पे मेन पेज आपने शो करवाया काशिफ के नाम से, जो पेज है वो शो होगा। फुटर के अंदर भी मेन्यू अगर देना चाहे, कोई लिंक अगर देना चाहे तो यहाँ पे हम मेन्यू को एडिट कर सकते हैं। सोशल हमने कहा कि लिंक्स हमने यहाँ पे शो करवाने हैं, सोशल लिंक्स मेन्यू यहाँ पे आएगा हमारे पास। बैक पे गए, बैक पे मेन्यूज के बाद हमारे पास है विजिट्स, सर्च का आ गया। आप इसे शो करवाना चाहते हो या नहीं करवाना चाहते आपकी मर्जी है, अगर रिमूव कर दोगे तो आपको यहाँ पे ये सर्च नज़र नहीं आएगी। रिसेंट पोस्ट जो आप चाहते हो कि ये नज़र आए या ना आए, रिमूव कर दोगे तो आपको रिसेंट पोस्ट भी यहाँ पे ये नज़र नहीं आएगी। सेम इसी तरह रिसेंट कमेंट्स हैं, रिमूव कर दोगे ये भी पेज पे नज़र नहीं आएगा। आर्काइव्स हैं, रिमूव कर दोगे ये भी नज़र नहीं आएगा। कैटेगरीज को अगर रिमूव करना चाहते हो रिमूव कर दो, ये भी नज़र नहीं आएगा। अगर आप यहाँ से मेटा को रिमूव करना चाहते हो आप यहाँ पे रिमूव कर सकते हो। अगर कोई नया आपने विजिट ऐड करना है, कैलेंडर आप शो करवाना चाहते हो, आप यहाँ पे क्लिक कर दो, अब आपको अपने उस पेज पे कैलेंडर नज़र आ रहा होगा। हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, विजिट्स होते क्या। फिर होम पेज की सेटिंग्स आ गई, अब यहाँ पे मेन पेज किसको बनाना चाहोगे, डैशबोर्ड है, सैम्पल पेज है, काशिफ है, ये वो चीज़ है कि जिस जो आप चाहते हो कि मेन पेज आपका शो हो। अगर एक से ज़्यादा पेजेस हैं तो कौन सा पेज सबसे पहले खुलना चाहिए, आपने याद रखना है। जो होम पेज डिस्प्ले है उसको स्टैटिक पेज पे ले जाना है, कि बजाय इसके कि आपकी लेटेस्ट पोस्ट पहले नज़र आए, आपका जो स्टैटिक पेज होगा वही आपको नज़र आना चाहिए। बैक पे जाते हैं, एडिशनल CSS दिया हुआ, आप यहाँ से उसे भी अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद जैसे आप पब्लिश करोगे तो इस वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं। अब इसमें क्या है, चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, जो हमने कैलेंडर को इंक्लूड किया था कैलेंडर इसमें इंक्लूड हो गया, ये आपकी जो सिस्टम की डेट होगी वो आपको शो करवा रहा होगा। जैसे 27 है डेट है, ठीक हो गया। नेक्स्ट जी अब चलते हैं, बैक पे जाते हैं। ये एक थीम था जिसमें हमने कुछ काम किया है। अब यहाँ पे लास्ट पे आपको नज़र आता है हाइड कंट्रोल, आपके जो कंट्रोल हैं वो हाइड हो जाएंगे अगर आप शो करवाओगे, ये नज़र आएंगे। ये आपको PC के रेलेवेंट बता रहा है, ये टैब में आपकी वेबसाइट कैसे नज़र आएगी उस हवाले से है। और ये लास्ट पे दिया हुआ है कि आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर वो वेबसाइट कैसे नज़र आनी है। अगर आप थीम को, ये वो थीम था जो पहले से एक्टिव है, अगर आप थीम चेंज करना चाहते हो तो दो तरीक़ेकार हैं। आपने मेन पेज पे जाना है जो उसके कंटेंट के रेलेवेंट हैं, थीम्स पे गए, थीम के बाद ऐड न्यू पे आपने चले जाना है। यहाँ पे आप
मुख्तलिफ कैटेगरीज की बिना पे वेबसाइट्स को सर्च कर सकते हो, ढूंढ सकते हो। मसलन आपको कैटेगरी चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर्स, आप इसमें यूज कर सकते हो टर्म्स कंप्यूटर्स के रेलेवेंट। ये अभी उसके प्रीव्यू लोड हो रहे हैं, थंबनेल्स आएंगे आपके सामने, शोज आते हैं अभी। ये कुछ थीम्स लोड हो चुके हैं, आप इसमें से जो इस्तेमाल करना चाहो थीम यूज कर सकते हो। जैसे ये एक दिया हुआ है LG कंप्यूटर रिपेयर के नाम से, आप ये वो थीम है कि जो आप अपनी मर्जी से इंस्टॉल करना चाह रहे हो। जैसे इंटरप्रेन्योर पेजली के नाम से है, लाइट ब्लॉगिफाई के नाम से है, जो थीम आप इस्तेमाल करना चाहो। जैसे एक थीम है, हम इसको इंस्टॉल पहले करेंगे, इंस्टॉल का बटन प्रेस किया और उसके बाद एक्टिव करेंगे। आपने याद रखना है कि जो आप खुद डाउनलोड करोगे या इस्तेमाल करना चाहते हो, पहले उसे इंस्टॉल करोगे फिर एक्टिव करोगे। जो शुरू के तीन चार आपको नजर आए थे वो पहले से डाउनलोडेड थे या बाय डिफॉल्ट उसके अंदर मौजूद होते, हमने सिर्फ एक्टिव किया था। जब तक आप इसे एक्टिव नहीं करोगे ये थीम अप्लाई नहीं होगा। मैं आपके सामने इसे रिफ्रेश कर रहा हूँ, अभी मैंने इसे अप्लाई नहीं किया तो ये आपको पेज नजर आ रहा है। जैसे मैं एक्टिवेट का बटन प्रेस करूंगा तो उससे क्या होगा कि ये थीम अप्लाई हो जाएगा आपकी वेबसाइट के लिए। अब ये अप्लाई हो चुका है थीम, मैं इस पर फर्दर रिफ्रेश करके देखता हूँ। जो वेबसाइट है इसका थीम अप्लाई हो चुका है, जो चीजें मैंने इसमें इंक्लूड की थी ऐड की थी वो हमें यहाँ पे नजर आ रही है। तो अगर आप इसको चेंज करना चाहो आप यहाँ से इसको भी कस्टमाइज कर सकते हो। हर थीम के अंदर बेतहाशा वैरायटी है जो उसमें चीजें तब्दील की जा सकती हैं, चेंज की जा सकती हैं। जैसे साइट आइडेंटिटी इसमें भी दी हुई है, आप यहाँ पे अगर कोई लोगो उसमें ऐड करना चाहो, जो मेरे पास पिक्चर्स मौजूद हैं उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए मैं यूज कर रहा हूं। सेलेक्ट किया, और ये शो करवा दिया, इतना क्रॉप कर दे। अब ये टॉप पे आपको एक लोगो नजर आ रहा है, ये लोगो जैसे आपको नजर आएगा यहां पे जी, कि इसको अगर आप एडिट करना चाहते हो इस एलिमेंट को, जो एक अलग कंटेनर एक इमेज बनी हुई है, तो आप उसको एडिट भी कर सकते हो। इमेज को रिमूव करना है रिमूव भी कर सकते हो, सेम उसी तरह यूज किया था स्प्रे से भी। फिर उसके बाद कलर्स आ गए, जो आप कलर स्कीम यूज कर रहे हो, हेडर की कलर स्कीम, टेक्स्ट की क्या हो, आप अगर वाइट क्या देते हो, जो लिखा हुआ होगा ये वाइट हो जाएगा जैसे पहले ब्लैक था। यहाँ से हम और कलर लेते हैं, मैंने ग्रीन कलर चूज किया तो लिखा हुआ ग्रीन आपको ये नजर आ रहा है, तो मैं यहाँ से वाइट कलर इसका चूज कर रहा हूँ। बैकग्राउंड इसका ब्लैक है और ये वाइट मेरे पास शो हो जाए। लिंक का कलर क्या होगा, रेड। अगर कोई लिंक यहाँ पे अगर हम लगाएंगे, ये हम नेक्स्ट जाके पढ़ेंगे। हेडर का इमेज, अगर हम यहाँ पे हेडर कोई लगाना चाहते हैं, एड न्यू इमेज पे क्लिक करो, ये मैंने एक हेडर डिजाइन किया था इसके लिए। सेलेक्ट एंड क्रॉप का बटन प्रेस किया, क्रॉप इमेज किया, ये आपको पूरा हेडर एक बना हुआ नजर आएगा इस पेज पे। ये इतना हिस्सा हेडर का कहलाता है। याद रखो जो इमेज का साइज है, आपको यहाँ पे ये बता रहा है कि जैसे 1000 बाय 250 पिक्सल इसे रिक्वायर है, 1000 बाय 250 पिक्सल इसको रिक्वायर है, तो इमेज का साइज उतना होना चाहिए। इमेज का साइज ज्यादा था इसलिए ये प्रॉपर यहाँ पे इमेज प्लेस नहीं हुआ। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हो तो यहाँ से आप हाइड इमेज कर दोगे तो वो इमेज आपको नजर नहीं आएगा। हेडर के बाद हम यहाँ पे आते हैं हेडर की सेटिंग्स के हवाले से, कि बैनर का स्टाइल क्या होना चाहिए, पोस्ट स्लाइड हो या फीचर्ड बैनर हो, हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद मुख्तलिफ मेन्यूज हैं, कोई मेन्यू अगर आप क्रिएट करना चाहो
जैसे मेन मेन्यू आ गया, नेम यहां पे लिख दें, काशिफ लिखा मैंने, और यहां पे हम इसको ऐड कर देते हैं। लास्ट पे गए, बैक पे होम पेज की सेटिंग्स हैं कि ये स्टैटिक पेज हमें नजर आना चाहिए, और पोस्ट वाला पेज आप शो करवाना चाहो वो भी करवा सकते हो। हमने कहा कि ये स्टैटिक पेज हो, वही तमाम सेटिंग्स इसकी मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर था उसके अंदर हमने थीम्स के बारे में पढ़ा। आप मुख्तलिफ थीम्स को डाउनलोड करके अपनी वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हो। उम्मीद है समझ आई होगी, तो लाइक ज़रूर करो, अगर समझ आती है शेयर करो, और चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करो। अपने दोस्तों को भी बताओ इसके बारे में, एक अच्छी स्किल आप सीख सकते हो। अल्लाह हाफिज़।